हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे सभी स्टूडेंट्स के साथ, खासतौर से CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है उसके रिगार्डिंग। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा होता है सभी स्टूडेंट्स के जो कॉमन पूछे जाने वाले सवाल हैं वो क्या होते हैं कि नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बचें। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करते हैं, उन्होंने थ्योरी भी बहुत अच्छे से क्लियर की है, MCQ भी उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, उसके बावजूद उनका जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो डिसीजन है वो प्रॉपर रूप से नहीं ले पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन को कितने अटेम्प्ट करें, ठीक है। या फिर अपन यूँ कहें कि वो ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन अपन कितने डाउट में रखें, कितने का सिलेक्शन करें और कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन करें, ताकि पूरे नेगेटिव कटने के बावजूद भी आपके इतने पॉजिटिव मार्क्स बने कि आप जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के अंदर आ सको। तो ये सभी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हीं के रिगार्डिंग आप लोग, कोई भी स्टूडेंट हो, फ्रेश हो, कोई भी हो, एक्सपीरियंस वाले हो, तो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। सबसे मेन जो अपना टारगेट है वो है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। या फिर अपन कहें पेपर कैलकुलेशन, कि पेपर का जो पार्ट है कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से आप मैनेज करें, ठीक है। पेपर कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें। पेपर कैलकुलेशन करोगे तो आपके माइंड में आएगा, जाहिर सी बात है, कि पार्ट जो ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, उनमें कौन से पार्ट में कितने कितने क्वेश्चन करें। क्योंकि सभी के जो माइंड है वो ज़रूरी नहीं है सबके इक्वली है, सबके जो माइंड कैपेसिटी है, सोचने की है, शार्पनेस है, वो सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन जरूर करती है। तो किसी स्टूडेंट्स का कोई पोर्शन स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई पोर्शन जो है वो वीक हो सकता है। तो यहाँ पर आगे देखिए, एग्ज़ाम हॉल में टाइम कैसे बचाएं वो भी ज़रूरी है। कि कई स्टूडेंट्स तो इस प्रकार की कंप्लेन करते हैं कि वो पूरे पेपर को रीड भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले पेपर पैटर्न तो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट हो सकता है वो वाला वीडियो नहीं देखा हो, किसी ने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए तो पार्ट वापस से बताना पड़ेगा अपने को पेपर। तो यहाँ पर पेपर अपन देखें, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न का आप देखोगे तो आपके सिंगल पेपर है, सिंगल पेपर में पार्ट तीन है। किस पेपर की बात कर रहे हैं अपन, लाइफ साइंस की, खास तौर से लाइफ साइंस में बोटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी बायोलॉजी की जो ब्रांच है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, वो सभी इंक्लूड होती है लाइफ साइंस के अंदर। तो आप लोगों का सबका कॉमन पेपर होता है लाइफ साइंस के नाम से, और लाइफ साइंस में तीन पार्ट आते हैं, एक ही पेपर में तीन पार्ट होते हैं, टाइमिंग जो होती है वो 3 घंटे होते हैं। पार्ट ए के अंदर आपके 20 क्वेश्चन उसमें पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके, देखो मैं पहले बता देता हूँ, रीजनिंग के होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, बस टाइमिंग का थोड़ा सा रहता है कि टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण से आधे स्टूडेंट है इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। 20 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल 15 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब 15 तो प्रत्येक मार्क्स 2 का है, तो ये 30 मार्क्स हो गए। पार्ट बी जो है वो आपके कौन सा है, लाइफ साइंस का है, किसका होगा, पार्ट बी लाइफ साइंस का होगा। कितने क्वेश्चन आने हैं आपके, 50 क्वेश्चन आते हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो आपको अटेम्प्ट उसमें से करने हैं केवल 35 क्वेश्चन, 35 × 2 = 70। आगे अपन देखें पार्ट सी, पार्ट सी भी आपका केवल लाइफ साइंस का होगा पार्ट, इसका मतलब पार्ट सी के अंदर अपन देखें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 75 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75। ये क्वेश्चन थोड़े रिसर्च लेवल के आते हैं, इसलिए लेंथी होने के कारण से और थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको केवल 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का होता है, इसलिए यहाँ पर 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, मतलब 100 नंबर का सी पार्ट है, और बी पार्ट है वो 70 नंबर का है, ए पार्ट है वो 30 नंबर का है। टोटल आपके 200 मार्क्स का आपका पेपर कंप्लीट होता है। आपके सिलेक्शन के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको 100 से ऊपर होने चाहिए, 100 से 105 हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं, और उससे भी अबव है तो आराम से आपको GRF है वो मिल सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इनमें से क्वेश्चन का कैलकुलेशन आप कैसे करो, पेपर की कैलकुलेशन कैसे करो, ठीक है। अब आपको देखो ये तो आपके हैं, अगर आप अटेम्प्ट करते हो, नॉर्मल आप ये लेके चलते हो कि आपने केवल 15 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन किए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस प्रकार के होते हैं कि जिनकी जो मैथमेटिकल रीजनिंग है
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ की कम होती है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग उसको डिसाइड कर सकते हैं। ये जो पार्ट है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, वो 15 में से 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन अटैम्प्ट हमेशा इतने ही करें जिसमें वो नेगेटिव ज़्यादा ना जाए। फर्स्ट पार्ट में तो सपोज आपको एग्जैक्ट अगर आपको 5 सही आ रहे हैं तो केवल 5 ही करो, 10 मार्क्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। 35 में से आप कितने अटैम्प्ट करें, 20 क्वेश्चन, 35 में से केवल 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। लेकिन वहाँ इस प्रकार का लालच नहीं करना है कि ये भी क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी कर लेते हैं यार, इसमें भी एक नंबर तो आ ही जाएगा, इसमें 2 नंबर आ जाए। ऐसे करते 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 आप कर देते हो 32-35 तक, और फिर होता क्या है, उसमें से 15-20 नेगेटिव में चले जाते हैं क्वेश्चन। इससे बढ़िया है मेन मेन क्वेश्चन वहीं अटेम्प्ट करो जो आपको एग्जैक्ट याद है कि हाँ इसका आंसर ये ही आएगा। तो बी पार्ट में नेगेटिव सबसे ज़्यादा बचे, इसलिए बी पार्ट में थोड़े कम क्वेश्चन रखें। 20 क्वेश्चन किए आपने तो अभी 40 मार्क्स आपके आ रहे हैं, खूब है 40 मार्क्स। पार्ट सी में आप देखो, पार्ट सी में कितना है, 25 क्वेश्चन करने हैं आपको, 25 में से मिनिमम आपने 15 कर लिए, ठीक है, कितने 15 तो कर ही सकते हो आप। एक एक क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ो और पूरे पेपर को पढ़ने की कोशिश करो, बहुत से क्वेश्चन तो इतने इजी आते हैं, बस मेन टाइम का आपको मैनेजमेंट करना, टाइम का भी बताऊंगा मैं आपको आगे मेथड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पार्ट तक आप पहुँचो पहले, सी पार्ट में। अगर सी पार्ट में किसी ने 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं और 15 वही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है जो आपको एग्जैक्ट लगता है, कई क्वेश्चन 15 में भी ऐसे बी पार्ट वाले टाइप के से आते हैं, एग्जैक्ट पूछा जाता है ये चीज़ ऐसी है या नहीं या कहाँ पाई जाती है, तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। तो इसमें अगर आप यूज में लेते हो इसको और केवल 15 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करो, इसमें लालच नहीं करना है, केवल 15 आपने किए तो भी आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं। यहाँ पर सीधा सीधा आपके 100 और 110 मार्क्स की कैलकुलेशन है, इतनी बेस्ट कैलकुलेशन है कि आपको आराम से JRF दे सकती है। अगर आपने कोई लालच नहीं किया है और इस मेथड से आपने सोल्व किए हैं तो 110 मार्क्स में से आराम से आपको 110 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब रिस्क कितनी ले सकते हो आप आगे अपन देखें, तो रिस्क कितनी आप ले सकते हो उतनी ही लेनी है जितनी अपने को काट पिट के पॉजिटिव में वो लेके आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं 7 जो क्वेश्चन है आपने अटेम्प्ट किए, 7 में से सही कितने निकले आपके, 5, तो यहाँ पर 10-1=9, 9 नंबर आ गए आपके। यहाँ पर देखें अपन 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने में से 35 में से 30 किए, 30 में से आपके कितने सही है, 25 सही हुए, तो 2 से 50 हो गए, और नेगेटिव कितने, 5 जो है इसमें 1/4 नेगेटिव होती है, तो 5 जो क्वेश्चन गलत हुए उनके नेगेटिव 1.25, तो यहाँ पर आपके 48.75 बन गए। पार्ट सी में आप देखिए आपने अटेम्प्ट कितने किए हैं, 25 किए हैं, सही कितने हुए आपके, 20 हुए हैं, 20 में से 20 × 4 = 80, तो यहाँ पर -5 आप करोगे, 25 एक जो 4 नंबर का होता है उसका प्रत्येक नेगेटिव जो होता है 1 मार्क्स होता है, तो यहाँ पर 5 नेगेटिव हैं तो 5 मार्क्स मतलब 75 आपके बन रहे हैं पार्ट सी के अंदर। आप इनकी कैलकुलेशन करोगे आप 9 + 48.75 + 75, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करोगे आपके पास 132.75 मार्क्स आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब 132, ठीक है। अब आप इनमें से ये कहें इफ नेगेटिव मार्किंग, यदि यहाँ 15 नेगेटिव मार्किंग भी आपकी आ जाती है, आपने ये मेथड अप्लाई किया है और इसमें अगर आपके 15 नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है तो भी आपके पास 132 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 117 बचेंगे आपके पास, और 117 अगर है आपके तो JRF में आप श्योर हो, JRF आराम से आपको मिल जाएगी। ये कैलकुलेशन सबसे बेस्ट है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है, नेगेटिव निकालने के बाद भी खूब बच रहे हैं। नेक्स्ट कैलकुलेशन अपन देखें कि पार्ट ए के अंदर आपने 5 किए, 5 राइट है, कितने हुए, 10 नंबर, 25 में से केवल आपने 20 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, 20 तो 40 और 25 में से 20 किए हैं और यहाँ पर 40 मार्क्स बन रहे हैं, 25 किए हैं, 25 में से 20 ही आपके सही हैं, ठीक है, तो 5 नेगेटिव में गए, इसका मतलब आपके 48.75 जो ये बताया था सेम यही है। और पार्ट सी में देखिए आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, केवल 20 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए हैं, 20 में से 16 क्वेश्चन आपके सही हैं, तो यहाँ पर 64 मार्क्स बचे, कितने, 4 माइनस कर दो, 60 क्वेश्चन, मतलब 60 यहाँ पे जो मार्क्स है वो आपके बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे 10 मार्क्स, 48.75 मार्क्स और 60 मार्क्स कितने बने आपके, तो टोटल मार्क्स आप देखोगे तो 118.75 मार्क्स आपके
बन जाते हैं। और यहाँ 118 के अंदर आप कह सकते हो आपकी जो जियारफ है वो 100% आपको जियारफ बहुत अच्छी रैंक के साथ में आपको मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार की ये जो कैलकुलेशन है कि आपको पेपर में बैठने से पहले कुछ इस प्रकार की कैलकुलेशन आपके रफ पेज के ऊपर आपको करते रहनी है कि हम कितने करें, कौन सा पार्ट कैसा है अपना, उसके अकॉर्डिंग आपकी पर्सनल कैलकुलेशन होनी चाहिए। ऐसी मेथड मैंने बता दिया आपको, इसको फॉलो कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो और उसको भी फॉलो कर सकते हो। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, 3 घंटा आपके पास में है। सबसे पहले आपको कौन सा पार्ट सोल्व करना है, सबसे पहले पार्ट बी को उठाओ, बी पार्ट, बी पार्ट को आपको याद रखना सिर्फ 1 घंटे में। कितने पार्ट में करना आपको, 1 घंटे में आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में पार्ट आपको सी करना है। सी पार्ट को आपने स्टार्ट किया है डायरेक्टली, सी पार्ट को स्टार्ट किया है तो यहां पर 1 घंटा 30 मिनट, यहां पर 1.5 घंटे तक आप इसको सोल्व कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। 1.5 घंटे में लगभग पेपर आपको रीड आराम से कर सकते हो आप फास्ट फास्ट। जिस इसमें सबसे बड़ा टाइम है सी पार्ट में बचाने का टाइम, कि जिस क्वेश्चन में आपको ऐसे लग रहा है क्वेश्चन में पूरा समझ में नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन को मत ही पढ़ो आप। अपन क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा फिर भी अपन उसको समझने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती अंडरलाइन कर करके, जबकि उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आजकल तो अंडरलाइन वाला सिस्टम भी खत्म हो गया, अब तो ऑनलाइन है, ठीक है, तो आप फिर भी उसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे देखते रहते हो क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करने के लिए, जबकि वो क्वेश्चन आपके कहीं दूर दूर भी टच में नहीं है, समझ में भी नहीं आ रहा, फिर भी आप उसमें टाइम वेस्ट करते हो। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले निकाल दो, नहीं समझ में आ रहा अगले क्वेश्चन पे जाओ आप। इस प्रकार से आपको 1.5 घंटे के अंदर, और लास्ट में आप पार्ट करो ए, कितने 30 मिनट में, और यहाँ पर 3 घंटे, कुछ इस प्रकार से आप अपना टाइम जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हो और इस प्रकार की आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आराम से आपको जेआरएफ या नेट श्योर मिल जाए। तो ये अपना एक कैलकुलेशन का छोटा सा मेथड था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। फिर भी किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। आप आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, थैंक यू फ्रेंड्स।